इसका आइडिया मुझे आया जब मैं एक दिन गणपति विसर्जन का समय था और मैं किसी काम से डीएन नगर सिग्नल पे अपनी बाइक पे बैठा हुआ, तो आई सॉ वन गर्ल जो वहाँ फ़ोटो लगे हुई थी, गणपति जी की फ़ोटो लगी हुई थी, उसको पकड़ करके वो रो रही थी। तो मैंने उसे बोलते हुए सुना था कि भगवान बहुत कष्ट है मेरे जीवन में, अभी जो मुझे रिकॉल हो रहा है, मीनिंग मैं बता रहा हूँ उसके, जो समझ में आया था कि मुझे बहुत तकलीफ़ है इस ज़िंदगी में, कभी हम लोग खुश होंगे, मुझे भी तो मेरी खुशियाँ दो, मेरे घर वालों को अच्छे रखो, मेरा बाप ऐसा करता है वैसा करता है, इस तरीके की बातें चल रही थी। बेसिकली वो लड़की भी भीख मांगती थी। तो वहाँ से मुझे एक आइडिया है कि इसकी बैक स्टोरी क्या होगी और कैसे शुरुआत हुई होगी उस चीज़ की। वहाँ से फिर मुझे इंस्पिरेशन आया कि ऐसे करके एक शॉर्ट फिल्म बनाई जा सकती है। मैंने जब कहानी लिखी तो मैंने इतना नहीं सोचा था कि लोग इतनी दयनीय अवस्था में रखते होंगे। तो मैं जब वहाँ गया, देखा उन लोगों को, तो मुझे लगा कि यार कैसे कोई इंसान ऐसे रह सकता है। पर एक चीज़ जो मैंने वहाँ देखी वो ये थी कि कुत्ते और इंसान साथ में सो रहे थे। हम जब सीन कर रहे थे जहाँ पे अशोका जी जो हैं, जो पद्मा के पिताजी का कैरेक्टर कर रहे हैं, वो पद्मा को मारते हैं दो बार, दो सीन ऐसा है जिसमें दो बार मारपीट होती है। जैसे ही थोड़ी आवाज़ हम लोग वहाँ ऊंची करने जाते थे शूट के दौरान कि साउट कर रहे हैं या किसी को डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो कुत्ते आकर के भौंकने लग जाते थे शांत कराने के लिए। और जब वो तब तक भौंकते रहते थे जब तक आप चुप ना, आप पे काटते नहीं थे आपको, पर वो भौंकते रहते थे। तो इससे एक चीज़ मुझे समझ में आया कि सर जानवर ज़्यादा होशियार हो गया आजकल इंसानों से, इंसान बचाने नहीं आता है वहाँ, कोई ये देखने नहीं आया कि यहाँ, जबकि बगल में आप देखिएगा तो बड़ी सी कॉलोनी है, वहाँ से कोई देखने नहीं आया कि यहाँ चीख चिल्ला क्यों रहे हैं लोग, पर वो कुत्ते आ गए। तो वो मैंने एक चीज़ वहाँ पर देखी और मैंने देखा कि लोग कैसे रहते हैं, मच्छर, मतलब सर के ऊपर मच्छर भरे पड़े हैं, भन भन घूम रहे हैं, उनका रोज सोए पड़े हैं वैसे ही, उन्हें कोई डेंगू का खतरा नहीं, उन्हें कोई मलेरिया से दिक्कत नहीं, किसी चीज़ से दिक्कत नहीं, सोए हुए। फॉर दिस पद्मा का फादर मैंने किसी और को लिया था, देन दैट पर्सन बैक्ड आउट। तो ये अशोका जो अभी पद्मा के पिताजी बने हैं उन्हें मैंने बुलाया, तो मैंने देखा कि वो एकदम फिट बैठते हैं। नाउ द प्रॉब्लम वॉज कि उनसे डायलॉग्स बुलवाना था, वो परफेक्टली डायलॉग याद कर लेते थे, पर ये होता था कि ही वॉन्टेड टू डू एक्स्ट्रा, ही वॉन्टेड टू ओवर डू थिंग्स, तो आई हैड टू लिटिल बिट यू नो डोमिनेट हिम, सप्रेस हिज ओवर एंथुजियाज्म टू मेक इट इन द वे आई वॉन्टेड इट टू बी। हमारी मेजर प्रॉब्लम जो हुई वो हुई क्लाइमेट से, इंद्र भगवान हमारे साथ थोड़ा डीलिंग नहीं हो पाया था, तो बरसाए जा रहे थे, अब बरसाए जा रहे थे तो अब शूट करें कैसे, पहले दिन हमारी शूट होगी कैंसिल। हमने सिर्फ थोड़े बहुत मॉन्टेजेस लिए जो भी पॉसिबल था बारिश में लेने का, तो हमने क्या किया कि दोनों एक्टर्स को जो पद्मा और रेखा थी उन्हें सिग्नल पे छोड़ दिया और हम किसी दूर बिल्डिंग में जाके उन बिस्वे माले पे जाके बैठ गए, वहाँ से लेंस लगा करके लंबी वाली, तो वो भीख मांग रहे थे। मैं फ़ोन पे उनके साथ था, मैं फ़ोन पे कोऑर्डिनेट कर रहा था, दे वर ऑन लाउड स्पीकर एंड आई वॉज ऑन कॉल, तो मैं उन्हें बता रहा था कि ऐसे जाओ कैमरा इधर से जाओ। फिर कहीं कहीं पर हमने चार पांच सिग्नलों पे ऐसे ही उसे भीख मंगवाई और दे रियली अर्न्ड वेल, उन्होंने कुछ 20-25 रुपए कमाए उस दिन। और वो था एक, पहला दिन हमारी शूट होगी कैंसिल, अब अगले दिन हमारे पास बर्डन ज़्यादा आ गया, हमारे पास दूसरी चीज़, हमारे पास परमिशन नहीं थी, पुलिस वालों को हमने लेटर दिया, उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया, फिर हम लोगों ने काफ़ी जुगाड़ भी लगाया, परमिशन मिली नहीं, तो हम लोग काफ़ी डरे हुए थे कि कहीं पर पुलिस ना आ जाए, कहीं पर पुलिस ना आ जाए, कहीं पर पुलिस ना आ जाए। अब इस डर में शूटिंग करना और आपके पास एक्टर्स भी हैं और आपके पास ना वैनिटी है, ना कार है, ना कुछ है, आप रोड पे ऐसे ही कैमरा पकड़ करके और रिकॉर्डर पकड़ करके निकले हुए, कहीं पर भी शूट किए जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं। तो हम लोगों ने ये खाना बदोश फिल्म बनाई घूम घूम करके, एक सीन यहाँ तो फिर दूसरा सीन वहाँ, फिर लास्ट में जब हम लोग घर वाले सिचुएशन पर पहुँचे तो वहाँ पर ईश्वर ने साथ दिया, बारिश उस समय तक थोड़ी कम हो चुकी थी। एक्टर्स सारे बहुत ही किस्मत से मुझे अच्छे और समझदार मिले जो सपोर्टिव थे, उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि सर हमें ये ऐसा करना है वैसा करना है, ऑलरेडी हम लोग काफ़ी प्रिपेयर होकर के गए थे क्योंकि पूरी गोरिल्ला शूट थी, हमारे पास परमिशंस नहीं थे, तो हम लोग पूरा सीन यहाँ रिहर्स करके हमारा मूवीज के ही ऑफिस में गए थे। डिफरेंस इतना है ना कि आप नॉर्मल शूट कीजिएगा ना तो आपको पता होता है कि आपका कंपोजिशन ऐसा रहेगा और
आपका कैरेक्टर यहाँ से चल के आएगा, यहाँ रुकेगा, यहाँ पे ऐसे मूव करेगा, और यहाँ ये सब चीज़ प्री प्लान्ड होती है। अब आप गोरिल्ला कर रहे हैं, आपको ये पता नहीं होता है, आपने पूरा छूट दे रखा है एक्टर्स को, आपको कैमरा कहाँ घुमा रहे हैं आपको भी पता नहीं है, कि एक्टर्स आपके कहाँ जा रहे हैं आपको भी पता नहीं है। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी होती है, वो टेंशन होता है पुलिस के आने का जो सबसे बड़ा टेंशन है। हमारा मूवीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी शॉर्ट फिल्म के लिए कमेंट लिखिए। थैंक यू।